आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इजीली नेचुरल तरीके से अपनी हाइट किस तरह से इंक्रीज़ की जा सकती है। ये ज़्यादा प्रॉब्लम लड़कियों में पाया जाता है, लड़कों में फिर भी कम रेशो होती है कम हाइट की। टॉप 5 एक्सरसाइजेज जिनकी वजह से आप अपनी हाइट को इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको ये डेली करना होगा। अगर आप सीरियसली वाकई अपनी हाइट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आज की हमारी वीडियो कम्प्लीट देखें। नंबर 1 पे हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, वो है स्टैंडिंग साइड बेंड। आप पहले स्ट्रेट खड़े होंगे और उसके बाद एक साइड पे बेंड होंगे और दूसरे हाथ को अपने स्ट्रेटन अप सर के ऊपर से लेके आएंगे। बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी हाइट के इंक्रीज करने के लिए। आप इसको अपने दोनों हाथों को भी ट्विस्ट कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको एक दिन में कम से कम 10 दफा करनी है। ये बेस्ट एक्सरसाइज है अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए। आप कोई भी एक्सरसाइज करें लेकिन उससे आप स्टिक रहेंगे तो आप उतनी जल्दी बेस्ट रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की हमारी सेकंड एक्सरसाइज की बात कर ली जाए तो वो है अपने पाँव पे ज़्यादा से ज़्यादा चलना। आप जितना ज़्यादा वॉक ऑन फीट करेंगे, नंगे पाँव चलेंगे बेयर फीट, उतना ज़्यादा आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमारे पाँव के नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। यही प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि इंक्रीज़ करते हैं हमारे अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की मजीद एक्टिवेशन को, और इसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन भी होता है। कम अज़ कम दिन में 15 मिनट आप नंगे पाँव चलें, कोशिश करें रेत पर या मट्टी पर चलें। आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं, बाहर भी कहीं आप जाएँ, किसी लॉन में घास के ऊपर चल सकती हैं, बहुत बेनिफिट होता है। स्पेशली सुबह के वक्त चलें तो सारी फोर्स आपके पाँव के ऊपर आ रही होती है, जिसकी वजह से प्रेशर पॉइंट्स वहाँ के ट्रिगर हो रहे होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड को साथ साथ में आपके सिग्नल जा रहे होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसकी वजह से हमारी हाइट एक्चुअली इंक्रीज होती है। उसको सिग्नल जाता है, वो एक्टिवेट होता है, वहाँ के प्रेशर पॉइंट ट्रिगर होते हैं, तो आप ही ज्यादा तेजी से अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बेस्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात की जाए तो वो है ताड़ासन। ये एक्चुअली में एक मूव है जिसके लिए आपको पहले सीधा खड़ा होना पड़ेगा। आप स्ट्रेटन अप खड़े होंगे, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर अच्छे से ग्रिप बनाएंगे और अपने टोज के ऊपर आपको खड़ा होना पड़ेगा। अब जब अपने टोज के ऊपर खड़े होंगे, हील्स पे नहीं, हील्स को आपको ऊपर उठाना होगा, अपने टोज के ऊपर आपके सारे प्रेशर पॉइंट आएंगे। यही के जब सारे प्रेशर पॉइंट ट्रिगर होंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट आपको देंगे। जो नेक्स्ट मूव की बात करने जा रहे हैं वो है मजारसन। इस मूव के अंदर आप सबसे पहले बेंड होके, ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, अपने हाथों पे और अपने नीज के वजन के ऊपर, और उसके बाद अपना एक जो लेग है वो बैक की तरफ ऊपर को उठा देंगे, और इस एक्सरसाइज की मदद से बहुत जल्दी आपका हाइट इंक्रीज होगी। आपने सिर्फ इसको दिन में 10 मिनट के लिए करना है, लेकिन बात वही है कि आपने इसे स्टिक रहना है। ये हेल्प करेगा आपकी हाइट को और ज्यादा बूस्ट देने के लिए। नेक्स्ट मूव की बात की जाए तो वो है भुजंगासन। ये मूव में बेसिकली आपको पहले उल्टा लेटना है अपने किसी मैट्रेस के ऊपर, चटाई के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर। सुबह मॉर्निंग में उठ के भी आप कर सकते हैं। ये सारे मूव मॉर्निंग में ही आप करेंगे तो ज़्यादा फायदे देंगे आपको। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेटन अप लेटना है और अपना जो चेस्ट होगी उसको आपको ऊपर को उठा देंगे, और उतना ज़्यादा आप उसको स्ट्रेट रखेंगे। इसकी वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होगी, इंक्रीज होगी, और साथ साथ में आपकी हाइट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अपर बैक को ये बहुत स्ट्रेचिंग देता है, बहुत मसल्स को प्रेशर देता है, ट्रिगर देता है। ये भी बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है हाइट को क्विकली इंक्रीज करने के लिए। पर आपने कोशिश ये करनी है, आप जितनी भी एक्सरसाइजेस करें, आप दिन के वक्त करें, दिन के वक्त आप जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे उनके बेनिफिट हमेशा ज़्यादा होते हैं। साथ साथ में आप वॉकिंग करें, साइकिलिंग करें, कोई भी अपनी एक्टिविटी रखें, वो आपके लिए बेहतरीन किरदार अदा करेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी खुराक का आपको ख्याल रखना है, एक अच्छा पोर्शन लेना है, उसके अंदर आपकी डाइट पूरी होनी चाहिए। डाइट का मतलब खुराक को कम या ज़्यादा करना नहीं होता, बल्कि प्रॉपर पोर्शनिंग होता है कि आप हर न्यूट्रिएंट पूरे के पूरे ले रहे हों, आपकी न्यूट्रिशन पूरी हो, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपकी बॉडी के लिए, उतने प्रोटीन, उतने मिनरल्स आपको सारे आपकी बॉडी के अंदर मिल रहे हों, जिनमें कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन्स, बहुत सी तरह की वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और अगर आप हाइट इंक्रीज करने की तरफ ही ज़्यादा कंसर्न रखते हो तो आपको नट्स ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इससे कि आपको कोई बेनिफिट हुआ हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।